स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ मिजोरम में, बिल खातिर नाम का एक टाउन है, छोटा टाउन है, बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है, पर इसमें पीछे में एक मार्केट है और थोड़ा टाउन घूमेंगे, देखेंगे इसका गांव एरिया भी होगा ना, तो सारा एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं। अभी हम ऊपर वाले रास्ते में आ गए हैं और यहाँ से लगभग पूरा टाउन दिख रहा है। ऊपर चल रहे हैं, ऊपर थोड़ा विलेज एरिया है तो विलेज एरिया घूमेंगे ना, उसके बाद फिर मार्केट चलेंगे। डू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। नो? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बेंजामिन। ओके ओके, तो अभी प्लेइंग फुटबॉल ना। किसी को नहीं आता हिंदी? हिंदी किसी को नहीं आता? ओ भाई साहब, सब यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे। चलो अच्छा है, खेलो। ओके बाय बाय ना। बाय बाय। लोगों को हिंदी नहीं आता, हिंदी की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मिजोरम में। और भाई मेरी ना ना की बोलने की आदत हो गई है। कई भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम हर मतलब कुछ बोलने के बाद उसके बाद ना क्यों बोलते हो, तो ना भाई मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नागालैंड में एक महीना घूमा ना, तो वहाँ पे कुछ भी बोलने के बाद जो हिंदी बोलते हैं उसमें आखिरी में ना बोलते हैं, तो कहेंगे जाएगा ना, थैंक्स ना, ऐसा। तो मेरा भी आदत पड़ गया एक महीना घूमने के बाद, कोशिश करूँगा धीरे धीरे छोड़ने की। यहाँ पे देख सकते हो एक साथ है, जैसे हमारे गांव में भाई भैंस नहीं पालते ना, वैसे यहाँ पे सुअर पालन चल रहा है ना, देख रहे हो ना कितने सुअर हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भैंस पालते हैं वैसे इन लोगों के घर के हर घर के बाहर आपको ऐसा एक देखने को मिलेगा, सुअर ज़रूर पालते हैं ये लोग। अच्छा है, हिंदी जानते है? हिंदी जानते तुम लोग? नहीं जानता है? हिंदी जानता है? हिंदी यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो? यस। हिंदी जानता है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? लो। और उसका क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? ये देखो बच्चे लोग है, शर्मा रहे हो, स्माइल। कैसा है? अच्छा है। कैसा है? नहीं जानता हिंदी? हाउ आर यू? हाउ आर यू? अभी ये बच्चे हैं ना तो इनको ना तो अच्छा बाय बाय बोल दो ना, बाय करेगा, बाय बाय बाय। तो ये बच्चे हैं ना तो अभी ना ये हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते, थोड़ा बड़े होने से इंग्लिश जान जाएंगे, हिंदी तो पता नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी उतना हिंदी को महत्व नहीं देते, हिंदी सीखना नहीं चाहते, बड़े बड़े लोगों को हिंदी नहीं आता, तो ये तो बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। गांव में घूम रहे हैं पर कोई गांव में ज़्यादा दिखता नहीं, सिर्फ बच्चे बाहर खेलते हुए दिखते हैं बस, और कोई दिखता नहीं है, सब घर के अंदर होते हैं या काम पे चले जाते हैं, पहाड़ों में बसा ये पूरा गांव है, टाउन तो नीचे छोड़ा है, ये समझ लीजिए अब गांव में आ गए हैं। ये यहाँ पे कुछ पका रहे हैं, मुझे जो लग रहा है देख के वो लग रहा है कि शायद सुअर के लिए खाना पका रहे हैं, चारा ना, क्योंकि उधर सुअर पालन किए हैं तो ये पका के खिलाएंगे सुअर को। पहाड़ों का व्यू देखो, और जो आप ये पेड़ देख रहे हो ये भाई है सुपारी का पेड़, जो सुपारी हम लोग पान में नहीं खाते हैं उसका यहाँ पे पेड़ बहुत हैं, पूरे पहाड़ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला देखिए ना, ये जितने पेड़ हैं ये सब सुपारी, ऊपर में दिख नहीं रहा होगा आपको, वो लगा है ना गुच्छा जैसा ना, जैसे किसका क्या बोलेंगे आम वगैरह का गुच्छा लगता है ना, ऐसे भी गुच्छा गुच्छा रहता है, और सब लोग इसको तोड़ तोड़ के घर में सुखाते हैं, फिर फोड़ के निकाल के सेल करते हैं। यहाँ पे ये बहुत पेड़ दिखेंगे, पूरे पहाड़ पे आपको देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ पे थोड़ा ऐसा सब्जी की मार्केट लगी है ना, बहुत कम ऐसे तो बड़े एरिया में है पर लगा थोड़ा कम है, सब वेजिटेबल ना, सिर्फ सब्जियाँ यहाँ पे आपको बेचने को देखने को मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ना, ऐसे तो हमें लग रहा है पूरी भर के लगता होगा पर अभी थोड़ा हाफ में लगा है, ऐसा सीन है ना। और सब ये है ना देखो एस्कॉस है ना, बहुत ही फेमस भाई नॉर्थ ईस्ट का ना एस्कॉस। कैसे हो आप? अच्छा है भाई साहब, देख रहे हो ना इधर में, और इधर में थोड़ा फास्ट फूड की दुकान ना, छोटा सा ऐसे देखेंगे आप लोग। कैसा है भैया? अच्छा है क्या? क्या उसको ऐसे टूरिस्ट ऑल इंडिया पूरा टूर कर रहा है ना, तो बस ऐसे घूमने आ गए आप टाउन ना। ये पूरा मार्केट लगता होगा ना बड़ा सा, अभी अभी छोटा लगा है। आज दिन में लगाता है ना। हाँ हाँ, अभी तो सब चला गया। अच्छा सब चला गया है, अच्छा ठीक है। और ये आप जो देख रहे हो भाई ये सब पूरा कूड़ा है, कूड़ा
मतलब यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पूरे घर घर से आपको इसे पैकेट में कूड़ा निकाल निकाल के बाहर में रख देते हैं। ये जो नगर निगम वाले होते होंगे ना वो ले जाते होंगे, मैंने गांव में भी देखा था हर घर के बाहर ऐसे बड़ा बड़ा पैकेट बना के ये लोग रखे हुए थे। और यही था मेन टाउन, अभी हम फिर से हाईवे पर आ गए हैं ना, ऊपर में थोड़ा गाँव था और टाउन टाउन हम तो टाउन नहीं गाँव के एरिया में गए थे आगे तो पर ऐसा बेलखत्री ना ओके ओके बेलखत्री नाम बता रहे हैं भैया, बेलखत्री नाम का ये टाउन है। ये है फुटबॉल ग्राउंड और यहाँ के मतलब हर गांव में नॉर्थ ईस्ट के आसाम को छोड़ के आप भाई 6 स्टेट में जाओगे ना हर गांव में आपको एक फुटबॉल ग्राउंड जरूर देखने को मिले चाहे जितना छोटा गाँव हो, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ के सब बच्चे फुटबॉल ही खेलते क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं, तो फुटबॉल का ग्राउंड तो एक होना बनता है। और नीचे में भी पूरा एक गांव है पर मैं नहीं जा रहा हूं नीचे क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है जाने का नीचे में जाओगे बस ऐसे गलियों गलियों में घूमते रहोगे, सबके दरवाजे बंद, पता नहीं कहां हैं, सब काम पे गए होंगे या कुछ भी है। अभी यहां पे एक ही दो गाँव में घुसे हैं तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं। और नीचे में देखो यह है ना पूरा गाँव और पीछे में पहाड़ का व्यू भी मस्त आ रहा, शानदार आ रहा है, पर क्या करें नहीं जा रहे हैं, अब चलते हैं ऊपर में। आए थे नीचे यही ग्राउंड देखने, हमने कहा देखते हैं गांव है कुछ लोग दिख जाएंगे तो थोड़ा बातचीत हो जाएगी, पर ऐसा कोई दिखा नहीं। मैं ऊपर से आ रहा हूँ, वो जो टावर आप देख रहे हो ना वहाँ से हाईवे गया है और मैं इतना नीचे आया था। यहाँ देखिए रोड पे कैसे किचन बना दिए ना यहाँ पे, ये इन लोगों का ट्रेडिशनल ऐसा किचन होता है ना, नीचे से जलता रहता है, ऊपर लकड़ी वकड़ी सुखाते हैं और कभी कभी मीट भी सुखाते हैं ऐसा है। पर ये ऐसे अंदर घर के अंदर बनाए होते हैं या गांव साइड में बनाए होते हैं, पर ये हाईवे है ना हाईवे के जस्ट बगल में बनाए हुए हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, इनका घर है क्या ऐसा कुछ पर मतलब घर तो पूरा पक्का हो गया है पर अपना किचन ट्रेडिशनल ही रखे हैं, कुछ पका रहे हैं यहाँ पर, धान सुखा रहे हैं उसमें भी कुछ पका ही रहे, पता नहीं कोई है नहीं पूछते ना, कोई दिखता ही नहीं है भाई क्या करें। तो सोनी ट्रेवलिंग, अभी देखो भैया घर पे अपने योर ब्रादर ना छोटा भाई ना अपने भाई का बाल काट रहे घर पे ही बैठ के। हिंदी जानता है, हिंदी पता है, हाउ आर यू, इंग्लिश तो जानता है ना, इंग्लिश भी नहीं जानता है। ओ व्हाट इज योर नेम, अनिश। और इंग्लिश पूरा जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता है, नहीं जानता है। क्या कर रहे हो आप लोग, इधर में जाएगा ना। ओ भाई साहब यहाँ पे सब खेल खेल रहा, कैसे हो भाई लोग, कैसा है, अच्छा है, क्या खेल खेल रहा था है? क्या खेल खेल रहा था, हिंदी जानते हो? नहीं, नो आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। चलो बढ़िया है, गाड़ी चला रहा है, हाँ गाड़ी चलाएगा, चलो चलो गाड़ी चलाओ, भू ना ना भू, चलो चलो चलो। सुमित सुमित बाय 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 बाय, सब्सक्राइब ना, उसका वीडियो करेगा अरे भाई असम में भर, हाँ असम घर, असम है, असम नहीं उत्तर प्रदेश, मेरा घर उत्तर प्रदेश है ना, हाँ असम का नहीं है उत्तर प्रदेश का है, हाँ यूट्यूबर ना, चैनल नेम सोनी ट्रेवलिंग, बाय बाय। यहाँ पे देखो भैया कुछ काट रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे भैया क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस सुअर का मांस है, ये सुअर का, सुअर का मांस, ओ सुअर का भात, सुअर का भात है, ओ अच्छा अच्छा समझ गया, सुअर का खाना ना, ओ अच्छा अच्छा ये ऐसा कुछ है, मतलब हमें शायद लग रहा है कि वो, हाँ बनाना का पेड़ है ना, बनाना का पेड़, और इसको ये भैया काट रहे हैं सुअर को खिलाने के लिए, सुअर का भात है, सुअर का खाना।
देख रहा वीडियो कर रहा। आप लोग कैसा, अच्छा है? अच्छा है ना। और इधर बच्चे लोग भी, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग भी सुअर का भात बना रहा है खाना? नहीं, कैसा, हिंदी जानता आप लोग? नहीं जानता। ये इतना ये शर्मा क्यों रहा है? क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? ओके, स्टडी विच क्लास? सिक्स। या हिंदी पढ़ता है? हिंदी, हिंदी बुक स्टडी करता है? उसको आता नहीं है? पर आता नहीं है, नहीं आता। हिंदी का बुक है, उसको पढ़ता आता नहीं है? हिंदी हिंदी लिख लेता है? अगर लिख लेता हो तो बोल भी लेता है। चलो ठीक है, बाय बाय ना। बाय बाय। बच्चों से मैं पूछ रहा था कि हिंदी का बुक होता है या नहीं, बोल तो रहे हैं होता है, पर अगर होता होगा तो सिक्स क्लास में है तो बोलना तो आ जाना चाहिए ना। पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, या हो सकता शर्मा रहे हो, बोलना जानते हो, क्योंकि वो शर्मा रही थी। तो देखते हैं किसी और से जानकारी इसका सही से लेंगे, जिसको हिंदी आता है, कि यहाँ पे हिंदी का बुक होता है या नहीं। कैसा है, अच्छा है ना? तो कोई मिलेगा तो उससे हम जानकारी लेंगे इसके बारे में। हिंदी आता है आप लोगों को? हाँ, नहीं जानता? हिंदी जानता? हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है हिंदी का स्कूल में? स्कूल में हिंदी का सब्जेक्ट होता है? नो। ओके ठीक है। पूछ रहा था कि सब्जेक्ट होता है नहीं। कैसे आप लोग? अच्छा है। इन लोगों से भी मैं पूछ रहा था कि हिंदी का सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, बोल रही है नो, नहीं होता है। हाँ, पूरा ऑल इंडिया टूर कर रहा है ना। हिंदी आप जानता है? हाँ, थोड़ा पंजाब में गया। अच्छा, पंजाब गया था, तभी हिंदी जान गया ना? क्यों नहीं जाना पड़ेगा, तो सब जाना है, इंग्लिश भी जाना है, सब जानना है। हाँ सही बात है, सही बात, सब जानना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब जानना चाहिए ना। और ये देखो भाई, पहाड़ों का व्यू कितना मस्त व्यू है। यहाँ पे हम खड़े हुए थे और भैया आए, पूछने लगे क्या कर रहे हो क्या नहीं। और भैया, हाँ, मिजोरम, हाँ हाँ, फोटो बनाएगा, पूरे मिजोरम का फोटो बनाएगा, वीडियो बनाएगा ना। हाँ, अच्छा है ना, इसका व्यू देखो, अच्छा है ना, पहाड़ों का, यही देखने तो आया है यहाँ पे। हाँ, देखेगा देखेगा, व्यू अच्छा है। ठीक है ठीक है। लोग यहाँ पे कंचा खेल रहा, गोली। आप लोग क्या बोलता है, व्हाट इज दिस, प्लेइंग दिस गेम? मार्बल। ओह, सब लोग खेला, आप भी खेलता है मार्बल? खेलो ना, खेलो खेलो खेलो, मैं वीडियो करूँगा ना, ब्लॉग, यूट्यूबर ना। ये देखो भाई साहब, ये लोग यहाँ पे गोली खेल रहे हैं। मनी मनी खेल रहा है या मार्बल? मार्बल, मनी से खेल रहा है या मार्बल से? ओ, अच्छा, वैसे ही खेले जैसे हम लोग खेलते हैं, पर ये लोग ऐसा गोला बना के रखे, हम लोग ऐसे लाइन लगा के रखते थे, फिर वहाँ से मारते थे। एक एक करके ये लोग खेलेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ, बाय बाय। ओके भाई, मेरी ये आदत नहीं जा रही है, ना ना बोलने वाली, मैं क्या करूँ? अभी देखो, फिर शायद मैंने ना बोल दिया ना, क्या करें, हमारे यहाँ पे आके ख़राब हो गई, मेरी हिंदी आके यहाँ पे ख़राब हो गई, और क्या बताएं। इतना मतलब, इन लोग जैसे बोलते हैं, इन लोगों से वैसे बात करते करते मेरी हिंदी खुद की ख़राब हो गई है। क्या बोले, जाएगा, जाएंगा, आएंगा, खाएंगा, ना, पता नहीं क्या क्या मैं बोलता रहता हूँ।
पर अब ऐसा आदत हो गया है ना तो बोलना तो पड़ेगा ही। अब धीरे धीरे छूटेगा ये आदत, जब नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलूँगा ना ऑटोमेटिक मेरा वो छूट जाएगा, ये यहाँ का हिंदी, अपना यूपी वाला हिंदी बोलने लगूँगा। कितना क्यूट सा है और ये बार बार मुझे भोग रहा है, काटना मत। दम नहीं है काटने का, बस सिर्फ भौंक रहा है, पर इतना क्यूट लग रहा था डॉगी। हाँ ये हमें काट रहा है, इसको डांटो ना। दम नहीं है, जिससे उसके पास जा रहा हूँ तुरंत भागने लगता है। कैसा लगा वीडियो मेरा, अच्छा लगा ना? भाई साहब ये लोग आ गए यहाँ पे, इस भाई ने अभी कमेंट किया ना, कूल बाय तुम ही हो ना, ये अभी जाके चैनल देख के कमेंट किया है। सब्सक्राइब ना जी। अच्छा अच्छा पहले से सब्सक्राइब करके रखा है। ओ भाई ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कैसे हो, अच्छा है? अच्छा। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, नाइस टू मीट यू ना। अभी टाइम बहुत बचा है, सोचा था कि यहीं पे आज स्टे ले लेंगे, पर अभी आगे चल लेते हैं ना। अभी कितना टाइम हुआ, 2 बजे, अभी 2-3 घंटे है, और यहाँ से आगे कोलासिब है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ तक पहुँच चलते हैं। वो बड़ा टाउन भी है, वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप था नहीं, और लोकल लोगों से यहाँ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदी जानते नहीं हैं तो कैसे बात बनेगी। कुछ बोलेंगे बताएंगे समझाएंगे वो समझेंगे है नहीं, तो टेंट लगाना ऐसे इधर उधर ठीक तो रहेगा नहीं। तो कोलासिब में पेट्रोल पंप है, वहाँ सीधा चलेंगे, वहाँ हिंदी वाले बंदे मिलेंगे, सीधा वहीं पे रहने वहने की व्यवस्था हो जाएगा। तो कोई लिफ्ट आता है आसानी से लिफ्ट यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि हाईवे है ना, एजुअल वाला हाईवे, इस पर बहुत सारे ट्रकें चलती रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब एजुअल ही सीधा जाते हैं, तो आसानी से लिफ्ट मिल जाती है। वहाँ से मैंने एक लिया ट्रक पे लिफ्ट, और अभी सीधा आ गए हैं कोलासिब। कोलासिब से थोड़ा बाहर है, मतलब टाउन से 3 किलोमीटर थोड़ा आगे में, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये 24 घंटे पेट्रोल पंप है ना, तो ये ओपन रहेगा ये, और नहीं तो हमें वैसे भाई समझ रहे हो ना, लोकल लोग तो कोई परमिशन दे ही नहीं रहे हैं, किसी कोई बात ही नहीं करने की तैयार है, तो परमिशन कहाँ देगा टेंट लगाने के लिए। इसीलिए मैं सीधा पेट्रोल पंप पर चला आ रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा अपने यूपी बिहार आसाम वाले मिल जाते हैं, तो वो सब हिंदी अच्छे समझ जाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे हो जाता है, इसलिए हम पंप पे ही रुक रहे हैं। अभी गांव एरिया का देखेंगे थोड़ा बाद में, पहले यहाँ का सिचुएशन समझते हैं कैसा है। तो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लोगों से, पर वो हिंदी बात ही नहीं करते और हमारा इंग्लिश इतना कमज़ोर है, तो कोई नहीं यहीं पर आ गए हैं, यहीं पर रुकेंगे। और ये भाई देखो साइड में ना पहाड़ों का नज़ारा, अभी तो थोड़ा शाम हो गया है, सनसेट हो चुका है बिल्कुल, 5:30 बज रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ख़तरनाक, मतलब कि इतना कोशिश करके, ख़तरनाक तो नहीं बोलेंगे, इतना ज़बरदस्ती भाई लोगों का वीडियो बना रहे हैं, इतना आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ के गांव में कोई जाता नहीं यूट्यूबर, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी वाला तो नहीं जाता होगा, मैंने देखा कुछ लोगों को वीडियो, ऐसा कोई गांव में घुसने का नाम नहीं लेता, पर मैं जाता हूँ गाँव में वीडियो बनाने के लिए, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं अभी और जाऊंगा, उन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, पर 2-4 दिन बीतने दो, इसके बाद में आगे में भी और बहुत सारे गांव हैं एजुअल के बाद, एजुअल तक तो ये हाईवे है ना, तो ज़्यादा गांव आपको नहीं देखने मिलेगा, जब म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाएंगे तब गांव देखने को मिलेगा। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, बस आपको नीचे में एक बार क्लिक करना है, उसमें ना तो आपका पैसा लगना है, कुछ नहीं लगना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।